चक्रवाती तूफान जवाद के 4 दिसंबर को राज्य में पहुंचने की संभावना के बाद सभी जिलों में ओडिशा सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 48 घंटों में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके चक्रवात में बदलने की संभावना की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान के 4 दिसंबर को ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। इस बीच चक्रवात के पूर्वानुमान के बीच ओडिशा के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य ने बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF, ODRAF और दमकल विभाग के कर्मियों को बुलाकर आपदा प्रबंधन रणनीति की तैयारी की है। IMD ने अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए कुछ जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र भारी होते हुए 3 दिसंबर के आसपास एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा तट पर पहुंच जाएगा। 4 दिसंबर को ओडिशा तट से टकराने वाले चक्रवाती तूफान के मद्देनजर IMD ने गजपति, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक और बारिश वाली प्रणाली भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने के लिए नजर आ रही है। नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार महाराष्ट्र के पश्चिम में एक चक्रवाती परिसंचरण द्वारा गुरुवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर स्थानीय रूप से 50 मिलीमीटर की भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच उत्तर भारत में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश या फिर हिमपात ला सकता है। आगे WD के इस सप्ताह के अंत से अगले सप्ताह की शुरुआत तक यह क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार को गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। इस बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में कई दिनों तक रीडिंग सामान्य से काफी अधिक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।